सुन सकें। अब फॉर एग्जांपल मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि आपको किसी क्लाइंट ने ये कहा कि भाई शूज़ की कंपनी है, ठीक है, हम शूज़ सेल करते हैं और ये शूज़ जो पहनने वाले हैं, मतलब जो जो टारगेट ऑडियंस है हमारा, वो टोटली यंग है। कौन है? यंग है। और हमारे जो शूज़ का जो स्टाइल है वो मोस्टली इलीट किस्म का स्टाइल है, मतलब जॉगर नहीं है और स्पोर्ट्स नहीं है, इलीट मतलब पार्टीज़ वगैरह में आप पहन सकते हो या शादी ब्याह में। तो आप अब उसने आपको कहा कि यार हमें कलर ब्रांडिंग का नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता, आपने इनको अच्छे से क्रिएट करना है, तो क्या करेंगे आप? जिनको समझ आया वो क्या मुझे बताएंगे, जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, जरा सा माइंड लगाएं, मतलब क्या क्या कलर कंट्रास्ट हम यूज करेंगे, 60% क्या होगा, 40% क्या होगा, 10% क्या होगा, ब्लैक और येलो नहीं, इलीट शो करना है ना, मीनिंग ऑफ कलर्स भूल गए? ठीक है, देखो इलीट में ब्लैक का तो आना जरूरी है, ब्लैक इज मस्ट, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि वहां पर भी आपने प्रोडक्ट को देखना है कि उनका जो हॉट प्रोडक्ट है उसका कलर क्या है। अगर वो ब्लैक हुआ सो वी कांट यूज ब्लैक इन बैकग्राउंड। तो इस तरह से हम चीजों को डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब शूज आपको मिल गए समथिंग कैमल कलर मिल गया आपको, कैमल जो कलर होता है, या ब्राउन हो गए, ठीक है, या तो वाइट हो गए, बट आई थिंक इलीट किस्म के जो शूज होते हैं मोस्टली ब्लैक ही होते हैं, आपको मोस्टली ब्लैक कलर के मिलेंगे। तो उस सूरत हाल में आप पर्पल यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप वाइट भी यूज कर सकते हैं, मसला नहीं है, इलीट फिर भी शो होगा कि आप वाइट के साथ ब्लैक यूज करें, ठीक है। तो समहाउ आप इस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं अपने कलर्स को। ये हो गया दो तरीके, एक तो ब्रांड ने आपको बता दिया कि भी ये कलर हम यूज करते हैं, आपने इन कलर को यूटिलाइज करना है। दूसरा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को लेके आप चेक करेंगे कि प्रोडक्ट क्या है और किस तरह से। अब एक एक आप किसी ने आपको कहा भी हमारी जूस का शॉप है, क्या है, फ्रेश जूस हम सेल करते हैं, हमने अपनी सर्विसेज बतानी है कि हमारा न्यू एक और ब्रांच ओपन हुआ है, फॉर एग्जांपल पहला ब्रांच नेवल में है, दूसरा बल्दिया टाउन में, तो हम उसकी मार्केटिंग करना चाह रहे हैं और इस दफा हम ऑनलाइन भी देना चाह रहे हैं। तो उस सूरत हाल में क्या होगा, कलर कंट्रास्ट, ठीक है, तो समहाउ हम वाइट ऑरेंज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम ब्लैक ऑरेंज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऑरेंज क्योंकि वो तो ऐसे फूड कलर है, फूड कंपनी ज्यादा यूज करते हैं और वो तो ऐसे एनर्जेटिक भी है, एक्साइट भी करती है हमें, ठीक है। और आप जो येलो कलर है वो भी यूज करते हैं क्योंकि इट्स अ कलर ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है भाई। इस तरह से एक और मिसाल ले लेते ताकि आपको कंप्लीट समझ आ जाए। कोई एनजीओ है, ठीक है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशल बच्चों के लिए पैसे क्या कर रही है, इकट्ठा कर रही है, क्या करेंगे, ठीक है, तो समहाउ हम ग्रीन भी यूज कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ कलर ऑफ ग्रोथ, ठीक है, वाइट भी यूज कर सकते हैं 60%, उसके साथ हम ब्लैक यूज कर सकते हैं, ठीक है, लाइट पिंक भी यूज करते हैं, इस लिहाज से आपने देखा होगा, बट मोस्टली जो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो आपको जो है ना ग्रीन ज्यादा यूज करते दिखेंगे और वाइट और ब्लैक, ठीक है, क्योंकि वो पीसफुल भी अपने आप को शो कराना चाहते हैं और ग्रोथ भी शो कराना चाहते हैं और पॉजिटिव भी शो कराना चाहते हैं। हाँ तो क्या हुआ, जरूरी थोड़ी हर जगह ब्लू डाल दो, पीस भी तो आ रहा है ना, ठीक है, पर्पल तो बेटा वो तो लग्जरी चीजों के लिए, तुम कहाँ उल्टा जा रहे हो, मीनिंग ऑफ कलर्स भूल गए? हाँ भाई साहब देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, आपका जो दिमाग का जो घोड़ा है ना उसका लगाम आगे निकल जाता है, आप इतने बिजी हो जाते हैं बनाने में कि आप थिंकिंग को भूल जाते हो। तो बैलेंस रखना है, ठीक है, बैलेंस का जो साइंस है ना और बैलेंस के जो मैसेज है ये हर कल्चर हर मजहब ने हमें दी है, ठीक है, हर आर्ट ने दी है कि आपने खुद को बैलेंस रखना है, अपने जो भी आप काम कर रहे हैं बैलेंस रखें, ज्यादा होगा तो नुकसान होगा, ज्यादा खाना भी गलत है,
नुकसान होता है, ज़्यादा चाय पीना भी नुकसानदेह है, ठीक है, ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, ज़्यादा फ्रूट खाना भी अच्छी बात नहीं है। तो ओवर डोज नहीं करना चीज़ों को। तब आप ओवर कर रहे हो तो आपको फील हो रहा है कि यार मैं डिज़ाइन थिंकिंग को भूल रहा हूँ, तो फिर आपको थोड़ा सा पीछे आना होगा, थोड़ा सा रिलैक्स होना होगा, फिर पेन कॉपी से स्टार्ट करना होगा। इस दफ़ा जो डिज़ाइन बनाऊंगा वो प्रॉपर थिंकिंग और स्केच के साथ बनाऊंगा। सही भाई, तो इस तरह से हम कलर्स को डिफाइन करते हैं। अब तीसरा तीसरा जो स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे एक एरर आ जाता है। क्या आ जाता है? मसला आ जाता है। ये मसला वहां पे बीएमजी के बच्चा है, उसमें उसको ये मसला बहुत हो रहा था। वो कलर थ्योरी, कलर साइंस के बीच में और कंट्रास्ट के बीच में गड़बड़ कर रहा था वो, ठीक है। वो क्या करता था, वो कलर कंट्रास्ट को इग्नोर कर देता था। एक दफा उसने फूड का कोई वो बनाया, ठीक है, उसने सोचा कि यार चलो फूड का बना रहा हूं, ठीक है, और तो इसमें मैं रखूंगा बैकग्राउंड पे रखूंगा 60% रखूंगा येलो, बाकी मैं वाइट रखूंगा, ठीक है, मैं पीस को भी शो कराना चाह रहा हूँ और मैं हैप्पीनेस को भी शो कराना चाह रहा हूँ। तो येलो के ऊपर जो वाइट है वो इतना कंट्रास्टेबल नहीं है। तो जब मैंने उसको बोला कि ये क्या किया है, कहते सर कलर थ्योरी यूज किया है मैंने। पहली दफा इसको मैंने बहुत समझाया, अगेन उसने वही हरकत की कोई और पोस्ट के साथ। तो फिर मैंने कहा तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे कहता है कि सर कलर थ्योरी यूज कर रहा हूं ना। तो मुझे लगा अच्छा तुम कलर थ्योरी तो यूज कर रहे हो बट कलर कंट्रास्ट को नहीं देख रहे हो। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको थ्योरी से हटकर भी चीजें देखनी होती हैं। अब आपको पता है कि यार मैं जो है ना येलो यूज कर रहा हूं, ठीक है, येलो यूज कर रहा हूं, आप पीस को भी शो कराना चाहते हो, आप हैप्पीनेस को भी, आप नहीं कर सकते। यू मस्ट यूज ब्लैक फॉर द कंट्रास्ट, क्योंकि थिंकिंग हर किसी को नहीं पता बट रीडेबिलिटी हर कोई एक्सपीरियंस करता है। अब वो रीडेबल ही नहीं है तो आपका डिजाइन फ्लॉप, ठीक है। तो कभी कभार आपको डिजाइन थ्योरी साइड पे रख के कंट्रास्ट को भी रीडेबिलिटी को भी माइंड में रखना है कि यार ये कलर थ्योरी तो मैंने अप्लाई कर लिया जो ब्रांड के साथ बहुत अच्छा, मतलब सही जा रहा है मेरी थिंकिंग, या मैंने जो डिजाइन को सॉल्व किया वो अच्छा जा रहा है, बट आया ये रीडेबल होगा भी या नहीं, आया ये कंट्रास्टेबल होगा या नहीं, तो वो भी आपने चेक करना है। अगर नहीं हो रहा तो आपको 50% या 40% थ्योरी को तोड़ना पड़ेगा उसको कंट्रास्ट करने में, क्योंकि थ्योरी मतलब थ्योरी उसमें नहीं है, उसमें थिंकिंग नहीं है, 40% थिंकिंग यूज नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर भी चल जाएगा क्योंकि वो कंट्रास्टेबल है, रीडेबल है। अगर वो रीडेबल ही नहीं है तो क्या होगा, फ्लॉप। सही भाई, तो ये चीजें आपने देखनी है। अब हल हुआ, आपने ट्राई किया है, बनाया है पोस्ट वगैरह? देखो ये मैंने इसलिए ये सवाल आपसे पूछा, मैंने अक्सर बच्चों को देखे वो ट्राई नहीं करते, उनको दिमाग में यही कि यार पहले प्रॉपर सीख लूं मैं। तो ये जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है ना, वीडियो एडिटिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, क्रिएटिव इंडस्ट्री में आपको हमेशा प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है। आपके दिमाग में थोड़े से शक व शुबात होते हैं बट वो नहीं होते, जब वो आप बैठेंगे काम करेंगे तब ही वो क्लियर होंगे, ठीक है। तो सर ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका आपका हाथ जो है ना वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन के बाद हम एक गेम खेलेंगे, उसमें हम चेक करेंगे कि कौन बच्चा कितना जो है ना उसके हाथ बैठ गए एडोब फोटोशॉप में, ठीक है। तो हम बोरिंग स्टडी नहीं करेंगे, हम में यहाँ पे गेम भी जो है ना खेलते हैं, हम लोग गेम्स भी देखते हैं। एक गेम ये होगा कि मैं 4-5 का ग्रुप बनाऊंगा और एक डिज़ाइन लेके आऊंगा अपने साथ, उसकी थिंकिंग का बेड़ा गर्क कर दूंगा, उसे कंट्रास्ट का बेड़ा गर्क कर दूंगा। आपने उसको पहले उसको सॉल्व करना है, पहले गलतियाँ बतानी है कि सर आपने यहाँ यहाँ गलती की, ठीक है, इसमें ये गलती थी, ये गलती थी, ये गलती थी, फिर हमने इसको इस तरह सॉल्व किया है, फिर मुझे स्केच भी चाहिए, फिर मुझे क्या कहते हैं कंटेंट्स भी चाहिए, और उसको फिर से सॉल्व भी करना है वो भी चाहिए, ठीक है। तो 5-5 का ग्रुप बनाएंगे, जो ग्रुप अच्छा करेगा वो जीत जाएगा, और आपको मिलेंगे सिर्फ 10 मिनट।
ठीक है भाई, तो गेम्स के लिए भी तैयार हो जाए। इससे क्या होता है कि मैं ऐसे करता हूँ कि ग्रुप ऐसे बनाता हूँ, उसमें दो दो बच्चे ऐसे होंगे जो अच्छा कर रहे होंगे, तीन ऐसे होंगे जो वीक होंगे, ताकि उनको ही पता चले कि डिजाइन थिंकिंग का प्रोसेस कैसा होता है। सही भाई, या तो कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुका है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, बाकी? अच्छा, जी आज चलो नेट तो बंद है, तो एक चीज हम पढ़ते हैं। पोर्टफोलियो का नाम सुना है किसी ने? क्या होता है, कौन बताएगा? हाथ हाथ रेस करें पहले तो। यस सर, तो ज्यादा आए थे, बताओ। समहाउ गुड। एल्बम? वो तो हो रहा है, नेट ही नहीं है। और कोई एक्सपेरिमेंट के तौर पर? ये मैंने कब बोला है? तजुर्बा वाला काम तो खराब होता है, वो भी ऐड करोगे? हाँ और हाँ, पीछे से आवाज आई किसकी? कौन कह रहा है? अच्छा वो, हाँ तो पोर्टफोलियो क्या होता है, बैठ जाओ। इसको डिजिटल सीवी तो नहीं कह सकते, बट मैं इसको कहता हूँ बच्चों के लिए, बच्चों की आसानी के लिए। सीवी का पता है सबको? हाथ खड़ा करें, किस किस को पता है सीवी? खड़े हो जाओ। क्या होता है सीवी? सीवी का फुल फॉर्म क्या है? इसका मतलब सीवी का तो मैं पता ही नहीं है, फुल फॉर्म नहीं पता था। सीवी का फुल फॉर्म बताओ। अरे तुम्हें भाई, तुम्हें बोल रहा हूँ। हाँ तुम्हें बोल रहा हूँ भाई, नाम क्या है तुम्हारा? हाँ अम्मा था, बैठ जाओ। सीवी का फुल फॉर्म बताओ। नहीं पता? हाँ वेट विटाए। सीवी क्या होता है कि आप सीवी तो बताओ क्या होता है। हाँ तुम बता रहे थे, बताओ सीवी क्या होता है ये बताओ। इंसान का सही, तो इसका मकसद क्या होता है, वो व्हाट इज द गोल, मेन गोल क्या होता है इसका? ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, क्यों बनाते हैं हम ये? बैठ जाओ। क्यों बनाते हैं हम ये, क्यों बनाते हैं? हाँ एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस है ही नहीं, मैंने अभी अभी मैट्रिक किया है, फिर सीवी होती है मतलब अपने जो है ना, अपने काम को ठीक है बताना किसी जॉब के लिए। किसी जॉब पे हम सीवी क्यों बनाते हैं? जॉब के लिए बनाते हैं, तो जब वैकेंसीज आती हैं तो हम अपना सीवी वहाँ सेंड कर देते हैं। ठीक है भाई, सिंपल इज दैट। तो वो आपकी सीवी को देखते हैं, फिर उसी हिसाब से आपसे कॉन्टैक्ट किया जाता है।
अब मैं पोर्टफोलियो को डिजिटल सीवी क्यों कहता हूँ, इसकी वजह यह है कि सीवी बहुत आम है, पोर्टफोलियो इतना आम नहीं है। जो क्रिएटिव इंडस्ट्री के लोग हैं उनको पता है, पर जो बच्चे क्रिएटिव इंडस्ट्री की तरफ आ रहे हैं उनको नहीं पता होता। ठीक है भाई, कभी कभार बीएस के स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होता कि पोर्टफोलियो क्या, जो बैचलर्स करके पास भी हो जाते हैं। हेरोकलम विटाई, केरोकलम विटाई, मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, इनको सीवी के फुल फॉर्म का लगा हुआ है, गूगल से पढ़ लेना भाई, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है भाई, तो कहाँ था, देखो ना ये देखो, इतनी नॉर्मल क्वेश्चन से इसने मुझे पूरा वो कर दिया। हाँ, तो जो बीएस करते हैं उनको भी पता नहीं होता कि पोर्टफोलियो क्या है, तो समहाउ जो जो क्रिएटिव इंडस्ट्री में इन हो जाते हैं उनको इसके इम्पोर्टेंस का पता होता है। तो ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी है, सीवी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीवी आप बना लो, इट्स ओके, अपने पास रख लो, बट पोर्टफोलियो इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर सीवी। अब पोर्टफोलियो होता क्या है, आसान भाषा में अगर मैं बोलूँ, आसान अल्फाजों में आपसे ये कहूँ कि आपने कितना भी काम किया है, ठीक है, जितने भी आपके अच्छे काम हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, अगर आप कोडिंग करते हैं, चाहे वो आपके कोड है, ठीक है, आप वीडियो एडिटिंग करते हैं या आपकी वीडियो एडिटिंग प्रोजेक्ट्स हैं, आप फिल्म मेकर हैं तो आपके फिल्म मेकिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, वो आप फोटोग्राफर हैं तो आपके सारे फोटोज, ठीक है, अभी हमारा दोस्त आसिम भाई बना रहा था, मैं और बालाज वहीं पे थे, तो वो भी अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहा था किसी जगह अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो जितना भी आपका अच्छा काम है, आपको पता है कि यार मैं शुरू शुरू में ये मैंने बनाया था, उसको आप ऐड ना करें, प्रैक्टिस करें करें, जब 3 4 महीने हो जाएंगे आपको, और जो आपके जो अच्छे काम है वो आप ऐड करते जाते हैं, तो आपके अच्छे काम का एक कलेक्शन जिसको हम कहते हैं, उन्होंने एल्बम कहा, अच्छा वर्ड यहाँ पे हो सकता है, कलेक्शन, आपके काम का कलेक्शन, आप उसको एक जगह पे जमा करके सेव कर देते हैं। जब क्लाइंट आपके पास आता है, आपसे पूछता है कि मैं जो है ना आपको क्यों हायर करूं, ठीक है, आप मुझे कुछ वर्क दिखाएं, हमें कुछ शक शुबात हैं कि आपने काम किया भी है या नहीं, तो आप क्या करते हो, सिंपली अपना पोर्टफोलियो उसको सेंड कर देते हो। उसके लिए भी आसानी कि हाँ भाई इसने ये काम किया, ये काम किया है, अभी रिसेंटली कौन सा प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, तो वो सब कुछ वहां पर पड़ा होता है। ठीक है, तो शुरू शुरू में आप खुद बनाते हो, बाद में आपके क्लाइंट का काम आप उसके अंदर ऐड करते जाते हो। तो जब तक आप इस इंडस्ट्री में हो, आप जिंदा हो, पोर्टफोलियो को आपने छोड़ना नहीं है, पोर्टफोलियो पे लगातार आपने काम करते रहना है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर सीवी। ठीक है भाई, बड़ा मसला ये होता है कि सर पोर्टफोलियो बनाए कहां, सही, सबसे बड़ा मसला क्या है, पोर्टफोलियो बनाए कहां। अब मैं ये जो आपको बातें बता रहा हूं ये कहीं और आपको बताए नहीं जाएंगे। कौन कौन से बच्चे पहले ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करके आए, कहीं ना कहीं से जरा हाथ खड़ा करें, क्यों, ठीक है, तो आई डोंट नो अच्छा पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बट मुझे इतना पता है कि वो आई थिंक कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते, बट आई थिंक ये टीचर का एक राइट है, ये उसका जो है ना एक फर्ज है कि वो बच्चों को बताए कि आप जो स्किल सीख रहे हैं इसका रास्ता कहाँ तक जाता है, आपने इसको कैश कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि आप सारे बच्चे अब यंग बड़े हो चुके हैं, अब आपने सिर्फ ए ग्रेड लाने के लिए पढ़ना नहीं है ना भाई, या घर पे अम्मी अब्बू को शो करा दिया, अम्मी भी खुश, अब्बा भी खुश, हम भी खुश, ठीक है भाई, कैश करना है ना, चीज़ों को सेल करना है, आगे बढ़ना है, निकलना है, इंडस्ट्री के अंदर जाना है, इंडस्ट्रीज के साथ काम करना है, क्लाइंट्स के साथ काम करना है, तो ये बताए नहीं जाते। अब पोर्टफोलियो आपका मैन, मतलब आपका ये हथियार है बींग अ डिजाइनर, अगर आपको इंडस्ट्री के अंदर जाना है, आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्यों, चलो एक फर्जी एक स्टोरी बनाते हैं, ठीक है, आपने फाइवर बना लिया, फाइवर का मतलब जानते हो फाइवर क्या होता है,
ठीक है। हाँ तो फाइवर एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जहाँ पर हम काम करते हैं, ऑनलाइन अपने जो सर्विसेज हैं वो बेच रहे होते हैं। तो वहाँ पर क्लाइंट्स आपसे रुजू करते हैं, फिर आप उनसे बातचीत करते हो, फिर फाइवर। अच्छा फाइवर क्या है? फाइवर एक मार्केट है। फॉर एग्जांपल एक मच्छी मार्केट, मैंने वो मार्केट बनाया, मैं अब मुख्तलिफ जो मछेरे हैं या जो बिजनेस करते हैं उनको बुलाऊंगा, मैं बोलूँगा अभी मुझे हर मतलब हर महीने के मुझे इतने पैसे दे दो, ठीक है, बाकी जगह आपका। तो फाइवर भी ऐसे करता है, वो कहता है कि भी आपके पास एक प्रोजेक्ट आया, हर 5 रुपए से 1 रुपए मैं लूंगा। सही भाई, आपने 20 कमाए, 4 मैं रखूंगा, 16 आपको दूंगा। तो फाइवर ने बस एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पर जिनको काम कराना है वो भी आते हैं, जिनको काम करना है वो भी आते हैं, उन दोनों को फाइवर ने मिला लिया है, वो आपस में बातचीत करके प्रोजेक्ट करते हैं और फाइवर अपना पैसा काटता है, कमीशन निकालता है, ठीक है भाई। तो फाइवर में बंदा आया, अब मेरे पास सिर्फ सीवी है, क्या है सिर्फ सीवी है, और मैं कह रहा हूँ कि मैं तो तुर्रम खान हूँ, मैं तो डिजाइनिंग इंडस्ट्री का बाबा हूँ, ठीक है। वो बोलेगा सही है भाई, तू बाबा है, तू जो भी है, काम क्या किया है वो देखा, अब तुम सीवी भेजोगे, सीवी तुमने लिखा है, मेरा तो 15 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है, 15 साल का एक्सपीरियंस मीन तुम कब पैदा हुए, कब तुमने शुरू किया, ये तो अजीब सी बात हो गई, ठीक है। तो वो बोलेगा कि यार सही है, तुम्हारा 15 साल का एक्सपीरियंस है, तुमने इस कंपनी के साथ काम किया, उस कंपनी के साथ काम किया, इट्स ओके, अच्छी बात है, मुझे अपना काम दिखाओ, मैं आपको क्यों हायर करूं, ठीक है भाई। वो बंदा बैठा है अमेरिका में, तुम बैठे हो पाकिस्तान में, इतना बड़ा गैप, उसके बाद इंटरनेट के थ्रू बात कर रहे हो, फेस दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारा, ठीक है। तो कोई भी बंदा ऐसे कन्विंस नहीं हो सकता सीवी के थ्रू, ठीक है। हाँ कंपनीज में भी जो आप सीवी देते हो ना, वो सिर्फ एक एंट्री है, क्या है एंट्री, आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा, इंटरव्यू में आपका असल इम्तिहान है जहां पर आपके पोर्टफोलियो को भी देखा जाता है अगर आप डिजाइनिंग जॉब के लिए जा रहे हो। तो सीवी अच्छा एक एंट्री दे देता है आपको कि हाँ भाई इस बंदे ने ये काम किया, अच्छा लग रहा है, इंटरव्यू के लिए बुलाओ। तो इंटरव्यू में बाकी मजीद आपको परखा जाता है कि ये इस रोल के लिए अच्छा है या नहीं, ठीक है भाई। तो वो बंदा बोलेगा यार पोर्टफोलियो देखो, तुम बोलोगे पोर्टफोलियो तो है नहीं मेरे पास, मैं तो वही है, मैं तो वही ला के आश्रय काम कर रहा हूँ, मेरे पास तो पोर्टफोलियो नहीं है। तो वो बोलेगा कि भाई एक काम करो, तुम पोर्टफोलियो बना के आ जाना, फिलहाल मैं किसी और को हायर कर रहा हूँ जिसके पास पोर्टफोलियो है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब यहाँ पर आपके लिए जो पोर्टफोलियो का जो वैसे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बट बिहान्स बहुत आसान और अच्छा ऑप्शन है, ठीक है भाई। बिहान्स का किसी ने नाम सुना है पहले? हाँ तो बिहान्स में आपने अपना अकाउंट बनाना है, बहुत आसान है, आपका जो जीमेल है वो उससे कनेक्ट हो जाएगा सिंपली। उसके बाद आई थिंक वो कुछ नाम पूछेगा या जो एडोब की जो आईडी, क्योंकि बिहान्स एडोब का है, किसी को अगर नहीं पता तो बिहान्स की जो एडोब की आईडी आपकी ऑटोमेटिक बन जाएगी। अगर वो आपसे ईमेल या पासवर्ड मांग रहा है तो आप अपना नया ईमेल या पुराना ईमेल भी देना चाहते हो वो दे दो और नया पासवर्ड डाल के अपनी एडोब आईडी क्रिएट कर लो, आपका बिहान्स बन जाएगा, ठीक है भाई। अब जब आप बिहान्स पे बनाओगे, मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा, जब बिहान्स में आपके पास 30-35 प्रोजेक्ट होंगे ना अच्छे खासे, तो क्लाइंट आपको हायर करेगा, हर हाल में हायर करेगा, ठीक है। जरूरी नहीं हर क्लाइंट करें, बट आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि आपका काम दिख रहा है कि हाँ भाई इस बंदे ने काम किया है। सो पोर्टफोलियो आज से आपने क्रिएट करना है। मैंने वहाँ बीएमजे में बच्चों को ये भी असाइनमेंट दिया था कि मुझे पोर्टफोलियो के लिए प्रोजेक्ट्स चाहिए, मुझे सिर्फ लिंक चाहिए पोर्टफोलियो का, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जिनके पीसीज के इशू हैं वो देख लें, और जो काम नहीं कर रहे खुद से वो भी खुद को तैयार करें, क्योंकि आगे बहुत काम देने वाला हूँ। क्योंकि आप ऐसे तो नहीं बनेंगे ना, रगड़ा देंगे तो बनेंगे ना भाई, सही है। तो रगड़ा ठीक है मिलेगा, लगेगा तो फिर आप पॉलिश होंगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। अदरवाइज मैं भी आपको घर बना के, ऊंट बना के कलर डाल दूं, अम्मी अब्बू को दिखा देना, अम्मी भी खुश, आप भी खुश, अब्बा भी खुश, चलो भाई बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है भाई। बट पढ़ना नहीं है, क्या करना है, कैश करना है।
कैश करने आए ना भाई, तो पोर्टफोलियो इज इम्पोर्टेंट थिंग। यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी? देखो अगर आपको एक्सेल का बनाना है तो वही बन सकता है, आपकी मर्जी है। ठीक है, एक्सेल का भी बन सकता है पोर्टफोलियो, कि आपने कितने भी काम किए, किसी के लिए सैलरी शीट बनाई, ठीक है, किसी कंपनी के लिए एम्प्लॉय शीट क्रिएट किया, या एक्सपेंस शीट भी होता है आई थिंक, बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो जो है ना वो एक्सेल में बनते हैं। तो आपने वो प्रोजेक्ट्स अपने पास सेव कर लेने, ठीक है, जब क्लाइंट आपसे रुजू करेगा आप उसको दिखा देना कि भाई ये मैंने काम किया। इसका इसका आप जो है ना पीडीएफ में बना सकते हो, पीडीएफ सेंड करो, क्या करें इसका, वैसे होगा कहीं ना कहीं, देख लो आप, कहीं ना कहीं तो दिया होगा माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, जिस तरह से एडोपोलो ने दिया। कुछ बनाते हैं, नेट तो है नहीं, तो अपलोड होगा नहीं। अब पूरा आ रहा है, अरे वाह, इसको ओपन करेंगे तब पता चलेगा ना कि पूरा आ रहा है या नहीं। अरे वाह, क्या बात, अच्छा करके गए, अच्छा, नाइस। ठीक है, ज़रा देखते हैं कि हमारे पास कोई पिक्चर पड़ी है या नहीं। पिक्चर तो नहीं पड़ी, अच्छा एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कल कि हम दो किस्म के जो है ना ये बनाते हैं ई कॉमर्स पोस्ट, एक में जहाँ पर आपको प्रॉपर्टी या कुछ ज़्यादा टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं वो जरा देखते हैं। इसके लिए हम सिंपल एक काम करते हैं, अच्छा आज मैं जो बैकग्राउंड बनाने जा रहा हूँ वो बनाऊंगा मैं ग्रेडियंट, क्या बनाऊंगा, ग्रेडियंट टूल भी आप सीख जाएंगे इसी के थ्रू। तो ग्रेडियंट का बड़ा ही खतरनाक सीन है, या तो बहुत अच्छा बनेगा या तो बहुत बेकार बनेगा, बहुत बुरा बनेगा। तो ये देख लेते हैं कि अच्छा कैसे बनता है, बुरा कैसे बनता है। तो ग्रेडियंट टूल के लिए पैंट बकेट टूल के अंदर आपको मिलेगा ग्रेडियंट टूल, तो यहां जाएंगे ऊपर ग्रेडियंट टूल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट टूल, आप जैसे क्लिक करेंगे आपको दो कलर्स दिख रहे हैं, तो दो कलर को मिलाने को ग्रेडियंट करते हैं। दो कलर्स के साथ आप अपने बैकग्राउंड को या किसी भी चीज को कलर देते हैं। नहीं बताई मैंने कहा कि ये अगर आपको, अगर पैन बकेट टूल के अंदर मिलता है ना ये, फॉर एग्जाम्पल ये देखो पैन बकेट टूल है, इस पर राइट क्लिक करोगे, आप राइट क्लिक करोगे तो अंदर तीन ऑप्शन आ जाएंगे, ऊपर वाला ग्रेडियंट टूल है, ग्रेडियंट टूल, ठीक है भाई, यहां तक कोई मसला? तो पहले आपने क्या क्या करना होता है, यहां से कलर्स उठाने होते हैं, ठीक है भैया, यहां से कलर्स आपने उठाने होते हैं। तो एक कलर ये है, एक कलर ये है, ठीक है भाई, तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं कोई कलर पिक करता हूँ, थोड़ा सा लाइट कलर मैं चूज करूंगा, और यहां से मैं इसी का थोड़ा सा डार्क वर्जन यूज करूंगा, इसको थोड़ा सा और लाइट कर देते हैं, ठीक है। एक दफा कलर आपने चूज कर लिए, ठीक है, वन टू, आप तीन भी कर सकते हैं, तीन कैसे करेंगे, सिंपल यहां पे क्लिक कर देंगे तीसरा कलर भी आ जाएगा, बट गोला गंडा नहीं बनाना हमने, ठीक है, हमने जो है सिंपल ग्रेडियंट बनाना है। बट समहाउ कभी कभार आपने देखा होगा आरजीबी कलर्स, वो कभी कभार कुछ गेमिंग वाले पोस्ट में, या कुछ आप बिल्कुल एनर्जेटिक या बिल्कुल यंग किस्म का कोई, आप कोई एनर्जेटिक चीजें बना रहे हैं, तो वहां पर समहाउ हम यूज कर सकते हैं।
बहुत कम रेयर केसेस में आपने देखा होगा कि आरजीबी कलर्स हम यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो इसको मैंने ओके किया। उसके बाद आपके पास ये तीन ऑप्शंस हैं, ये तीन ऑप्शंस डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। एक तो ये है कि वो बिल्कुल लीनियर कर देगा, हाफ यहां हाफ वहां। कैसे करेगा? अब आपने जब ग्रेडिएंट ले लिया, इसको सेलेक्ट कर दिया, आपके पास ये ऑप्शन आ गया, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ग्रेडिएंट को आपको बताएगा कि आपको कहां से कहां ग्रेडिएंट चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये पूरा हाफ कलर इसने क्या कर दिया, हाफ वहां कर दिया, जो मैंने लाइट जिसके अंदर थोड़ा सा व्हाइट शेड ऐड किया ब्लैक के अंदर, और जो बिल्कुल ब्लैक है वो उसने यहां पर ऐड कर दिया। अब जो बुरा बनता है ना, बुरा कैसे बनता है वो जरा देखते हैं। बुरा बच्चे क्या करते हैं, अगर आपको डिफरेंट कलर यूज करने हैं, ठीक है, तो ट्राई करें कि उसी कलर का एक लाइट वर्जन यूज करें या डार्क वर्जन यूज करें। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी एक बैड कंट्रास्ट है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आपने क्या करना है, एक लाइट वर्जन यूज करना है उसी का, और एक डार्क वर्जन यूज करना है। अगर आपके पास कोई और आइडिया है तो वो आप डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं, अगर वो बहुत ही अच्छा मैच कर रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है भाई, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये। ठीक है, ये राउंड शेप डाल देता है। क्या कर देता है, राउंड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहले दिखाता हूं, मैंने यहां सिंपल क्लिक कर दिया। ठीक है भाई, हमारा पुराना वाला ग्रेड अच्छा ना लेके ही नहीं आ रहा वो, चलो खुद ही डाल देते हैं। थोड़ा सा लाइट वर्जन यूज किया और यहां पर डार्क वर्जन है ऑलरेडी। ठीक है, ये देखो इस तरह से। अब जब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा तो ये यूं हो जाएगा। ठीक है भाई, बट अभी भी समहाउ ये बहुत ही ज्यादा लाइट है, इसको मैं थोड़ा सा और जो है ना डीम कर देता हूँ। ये देखो, ये सबसे बेहतरीन ऐसा लग रहा है कि बाकायदा मैंने बैकग्राउंड को बनाया हुआ है, शूट किया हुआ है। ठीक है, क्या कहा तुमने, शेप के अंदर? हाँ, शेप के अंदर भी आप कर सकते हो ग्रेडियंट। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा मुझे, पिक्चर के ऊपर करना है? शेप के अंदर ना, हाँ कर सकते हो, ये शेप बनाया। ठीक है, शेप के अंदर ये रहा ग्रेडियंट। ठीक है भाई, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आके इस पर क्लिक कर दोगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद ये लीनियर है, इसको आप रेडियल कर दो, जो हमारे पास जो ऑप्शंस है। यहां तक कोई मसला? तो ये देखो सबसे अच्छा जो ग्रेडियंट है अभी तक का ये है। अच्छा लग रहा है ना भाई? तो अब क्या करते हैं, वो जो दूसरा टाइप हमने पढ़ा था जिसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज, हम एक खसूसियात जो ऐड करते हैं अपने जो आइटम है, ठीक है, चाहे वो कॉस्मेटिक है चाहे कुछ भी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो प्लेसमेंट हम करते हैं पिक्चर की, वो इस साइड करते हैं। कहाँ करते हैं, सबर, ये हम यहाँ पे पिक्चर की प्लेसमेंट करते हैं समहाउ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास मेन हेडिंग्स आ जाएंगी, जो आपने हायरार्की मेंटेन किया होगा। ठीक है, जो अगर आपके पास जो स्लोगन है वो ऐड कर सकते हैं। उसके नीचे आपके पास आ जाएंगे खसूसियात, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं। उसके नीचे हमारे पास आ जाएगा कॉल टू एक्शन, नीचे लिंक्स सिंपली। तो यहाँ पर ऐड करने का मकसद ये कि आपके पास एक रूम बन जाएगा। ठीक है, ये अगेन एफ पैटर्न पर चला जाएगा, बस पिक्चर थोड़ी सी नीचे हो रही है, वही जो हमने पहले पढ़ा था एफ पैटर्न लेफ्ट टू राइट जो अलाइनमेंट है, बट वही है कि थोड़ा बहुत पिक्चर नीचे आ जाएगा। ये भी ई कॉमर्स ही है, यहां ऐड कर दो, यहां ऐड कर दो। ठीक है भाई, तो पिक्चर उठाते हैं हम लोग। पिक्चर को बड़ा कर देंगे थोड़ा सा।
छोटा लग रहा है मुझे। सही भाई, तो टेस्ट के लिए क्या करेंगे, टी सेलेक्ट कर देंगे, या तो टी पे, टी जो हमारे पास जो कीबोर्ड में है उसको क्लिक करके हमारे पास ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रोलेक्स इस दफ़ा, और इसको हम करेंगे अलग फ़ॉन्ट में क्योंकि हमारे पास ये लोगो है, तो समहाउ मैं ये यूज़ करूँगा। और अच्छा, खड़े हो जाओ भाई तुम, ये आगे वाला हीरो साहब खड़े हो जाओ तुम। नहीं भाई, ये मुझे इसके अंदर लेटर स्पेसिंग देनी है। क्या करेंगे, कहाँ है फिर ये, भेज जाओ। ठीक है, तो क्या क्या करेंगे, सिंपल कंट्रोल रूम में जाके इसको लेटर स्पेसिंग दे देंगे। अच्छा, ये मेरा अंदाज है, ठीक है, कोई इसको कॉपी करना चाहता है आपकी मर्जी है, बट मैं लोगों को इस तरह से बनाता हूँ हमेशा, ठीक है। इसमें कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि आपने, मैं चूंकि अगर आपको कोई ऑफिशियल लोगो लगाना है किसी चीज़ का, आपके पास लोगो है जो राउंड शेप में, जो प्रॉपर लोगो है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं है। बट मैं प्रिफेर करता हूँ कि मैं उस कंपनी का जो लोगो नहीं है उसका नाम यूज़ करूँ, तो ऐसा ना हो कि सारे बच्चे ये समझ रहे हो कि नहीं, ये यही इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही करना चाहिए। आपकी मर्जी है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई मसला? कोई नाम बताओ रोलेक्स का, कोई नाम पता है, कोई कोई यूजर है घड़ी का, घड़ियों का शौकीन कौन है भाई? रोलेक्स के अंदर कोई सीरीज बताओ, कोई कोई इनका पेंटेमैक्स, व्हाट इज दिस? अरे मैं कह रहा हूँ रियल बताओ, तुम अपनी तरफ से, अपनी तरफ से बता रहे हो। गूगल बंद है ना भाई। रोलेक्स सिंह किंग। हम इसको, हम एक काम करते हैं कि क्या Y93? अबे भाई, तुम लोग तो भाई फुल टाइम अपने किसी को, आप किसी को रियल पता है? अच्छा, सारा मेरी तरह गरीब है कंटेंट क्रिएटिंग में कभी कभार मसला आता है वैसे कंटेंट को लिखने में, क्योंकि हमारे पास रियल क्लाइंट नहीं है ना, तो हमने हमें खुद सोचना पड़ता है। खैर, कोई नाम लिख ही देते हैं, टाइम जाया ना हमारे पास। क्या करें, हैं कौन बोल रहे हैं? एंड्रॉइड रूफ, रूफ क्या होता है, रूफ क्या होता है भाई? अच्छा चलो, ये मैंने लिख लिया, फिलहाल इसी को लेके चलते हैं। अच्छा चलो, एक कंट्रास्ट वाला एक क्वेश्चन करता हूँ आपसे।
ब्लैक जो बैकग्राउंड उसके साथ हमें पता है कि वाइट बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन है और येलो भी बहुत अच्छा कम्बिनेशन है और ऑरेंज भी बहुत। इसके अलावा एक और कलर है जो बहुत ही अच्छा दिखता है, वो कौन सा? ग्रीन? ब्लू तो बिल्कुल भी नहीं, सॉरी टू से, वो भी वही येलोइश में आ जाता है। महाराज भाई नहीं, रेड भी अच्छा लगता है, बट एक और कलर जो आप लोग बहुत मिस करते हो, कौन sir, क्या बोला इसने? मल्टी मल्टी कौन सा कलर है? सियान कलर, नाम सुना है सियान कलर का? सियान कलर होता है। जरा नेट से कोड बताना सियान कलर का, लिखो सियान कलर कोड। बड़ा बेहतरीन, मैं खुद भी वहां से ट्राई करता हूँ कि मुझे दिख जाए सियान। ये समथिंग है फिरोजी मरोजी, मुझे नहीं पता। ये कलर होता है सियान, ये देखो। ठीक है, इसका डार्क वर्जन ज्यादा अच्छा लगता है। क्या? हाँ देखो, यहाँ पे डबल ओ आ गया, डबल जीरो होगा। हाँ डबल जीरो, डबल एफ, डबल एफ। हाँ सही भाई, तो सियान कलर बहुत अच्छा लगता है ब्लैक के ऊपर भी। ठीक है, तो आज हम सियान कलर यूज करेंगे ब्लैक के ऊपर। सो रॉयल एक्सट्रीम हमारे पास नीचे, हम यहाँ पर इस दफा ऐड कर देते हैं, स्लोगन ऐड नहीं करते इस दफा, हम कुछ और ऐड करते हैं। वॉच इज वेटिंग फॉर यू, वॉच क्या इंसान है? यू करो तो इतना एक्सट्रीम, मैंने कहा था ना बैलेंस रखो। न्यू अराइवल आ गया ऊपर, इसको थोड़ा सा और भी छोटा कर सकते हैं, हमारे पास स्पेस है, तो चेक कर लेते हैं। नहीं, 9 सही है। इस दफ़ा हम लाइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, लाइन को दो चीज़ों के बीच में डिवाइड करने का जो बहुत ही अच्छा दिखता है, तो वाइट कर देंगे। और इसका जो हाइट है वो 2 कर देते हैं, या तो 3 कर देते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको।
ठीक है। अच्छा वो जो हम कहते हैं मनी गारंटी, क्या कहते हैं, मनी बैक गारंटी ना, मनी बैक गारंटी, तो एक एक कर देंगे कि मनी बैक गारंटी, और एक एट नहीं, मनी 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 बैक गारंटी कर देते हैं। और क्या क्या होता है वाटर प्रूफ कर देते हैं, और नहीं ये रोलेक्स में तो नहीं होता ना, उसमें तो बैटरी टाइमिंग नहीं होता। ये देखो ये रोलेक्स ही है, ठीक है, आप इसको इमेजिन करें, दिस इज द रोलेक्स, नेट बंद है इसलिए हमारा रोलेक्स जो है ना वो आई वॉच बन गया। हाँ लो वेट, नहीं, कोई भारी किस्म के, देखो रोलेक्स इज अ बिग कंपनी, मनी बैक गारंटी बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए मैंने कहा। कलर मतलब कलर क्या, कलर क्या, सब अबे वो क्या कह रहा है सुनने दे ना, कलर क्या, कलर वो, हाँ ये भी हो सकता है। और तो तुम क्या बोल रहे हो, हैं भाई, अम्मा टावर में आ गया क्या तू, ये क्या है मल्टीपल ऑप्शन, अबे भाई रोलेक्स है कोई, ये मंगल बाजार में थोड़ी बेच रहा चीज है, रोलेक्स की ऑलरेडी मार्केट है, उसको जरूरत नहीं है ये कहने का कि मल्टी। चलो ऐड कर देते थे जो भी हमारे पास आ रहा है। अच्छा ये जो चीज़ें, इनको ऐड करने का जो अच्छा तरीका है कि इनके अंदर हम आइकन्स का इस्तेमाल करें, बट अभी हमारे पास नेट नहीं है तो फिलहाल हम आइकन यूज़ नहीं कर सकते, हम यहाँ पर कुछ और पैंतरा अपनाएंगे, क्या कर सकते हैं देखते हैं, एलिप्स यूज कर सकते हैं यहाँ पर, और क्या यूज कर सकते हैं, और तो हम आइकन यूज कर सकते हैं बट वो नेट बंद है, आइकन हम उठा नहीं सकते। चलो एक्लिप्स यूज कर, एलिप्स यूज करते हैं। हाँ क्या बोल रहा था, वो कितनी दफा मैंने बताया पैन टूल से बनेंगे, ऐसे कैसे नहीं बन रहे, क्या क्या मसला क्या आ रहा है। हाँ हाँ तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी ये तो आपका मसला है, भी बनाऊंगा एक, बताऊंगा कि कैसे बनती है। बहुत छोटा है यार, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। चाहिए अब बेहतर है, तो इसको कॉपी करते हैं, इसको नीचे लेके आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं मनी, बे यार एक तो ये मनी हाइस्ट, हाँ मनी बैक गारंटीड, मनी बैक गारंटी, गारंटी की स्पेलिंग मैंने शायद गलत लिखी है, माफ कर दीजिएगा। ये हो जाएगा समथिंग 12, और इसको बोल्ड भी नहीं करेंगे हम लोग, हर चीज बोल्ड नहीं होती, और इसका कलर भी कर देंगे वाइट, और भी बड़ा दिख रहा है तो इसको हम कर देंगे 11 समथिंग। और इसको बड़ा कर देंगे यार, ये छोटा है, क्या हुआ भाई, और क्या था,
इंसेक्ट रेजिस्टेंट, एक और चीज आप सीख ले, एक न्यू चीज कि आपने अपने एलिमेंट के बीच में बराबर स्पेसिंग कैसे देंगे, किसी को पता है? ठीक है, तो यहां पर हमारे पास अपने स्पेस को मापने के लिए एक तरीका है। फॉर एग्जांपल इसके इसके बीच में और इसके बीच में कितना स्पेस है, ये कैसे मालूम करेंगे? तो यहां पर आपने पहले इस पर क्लिक किया, क्लिक करेंगे और जिसके पास तक का मालूम करना है उसके ऊपर जाके आल्ट दबाएंगे, ठीक है, सॉरी कंट्रोल, वो आपको बता देगा कि इसमें 0.77 इंच का स्पेस है। ठीक है, एक पे क्लिक करेंगे, दूसरे पे सिर्फ माउस लेके जाएंगे, क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका मालूम करना है और इसका और इसका मालूम करना है, 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 क्लिक करेंगे, बाकी हर जगह जाएंगे सिर्फ माउस लेके जाएंगे और कंट्रोल दबा देंगे। ठीक है भाई, अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं कि इसके बीच में और इसके बीच में सेम आए, देखो सेम नहीं है, इस पे 0.77 है, इस पे क्या है 0.97 है, ज्यादा है कम है 0.0, तो इसको जूम करेंगे और इसको थोड़ा सा कम कर देंगे 0.97, तो इसको और इसको मैंने सेलेक्ट किया और एरो से ऊपर किया, फिर चेक किया, एरो से ऊपर किया, फिर चेक किया, सही है भाई, अब बराबर हो गया। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप चेक करते हैं और ट्राई करें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो कि हम यूआई में ही पढ़ेंगे आगे, यूएक्स वाई में, और यहां भी मैं चेक करता हूं क्योंकि ये भी एक ऑर्गेनाइजिंग का हिस्सा है। ठीक है, ये भी आपके जो डिज़ाइन है उसको मैनेज करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि आपकी हर चीज़ अच्छे से मेंटेन हो, आपका हर स्पेस इक्वली डिवाइडेड हो आपके एलिमेंट्स के अंदर। यहां तक कोई मसला? अच्छी बात है यार, मसले ही नहीं आ रहे आजकल, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओ भाई याद हो गया तुम लोग को नाम, हाँ अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने यार, इंग्लिश के तो नाम है ये सियान, हाँ इसका जो इसके जो जो लाइट्स है ना सियान कलर में बहुत अच्छे यार, आपने देखा भी तो होगा वो यूट्यूबर यूज करते हैं सियान कलर्स, वो पीछे जो उनके ना सर में जो शेड आ रहा होता है सियान कलर ही तो होता है, बहुत अच्छा लगता है ये कलर। किसका मसला है? अरे इसको तो बहुत बड़ा मसला है यार, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा इसके मसले कब खत्म होंगे, अल्लाह इसको हिदायत दे। अभी कराची इज्तिमा होने जा रहा है, जो जाएगा इसके लिए स्पेशली दुआ करे, ये बीमार है बेचारा। हाँ मैं यार मैं तक जो है ना मेरा कोई वो नहीं है, पता नहीं है फिलहाल। हाँ अरे वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन बन गया नहीं नहीं भाई मेरा इंतज़ार नहीं करो,
आप लोग जाओ, अल्लाह अल्लाह करो, मेरे लिए दुआएं करो। ठीक है, और एक और चीज आप ट्राई करें कि ये जो आपका ऑर्डर है ना, ये भी बिल्कुल इक्वल हो, ये जो अंदर जो है ना, ये ऑर्डर ना, और ये इनको इक्वल करना जरूरी है। इसका एक और भी इक्वल करने का है, आई थिंक ये है, हाँ, और ये है। ठीक है, क्या करेंगे आप, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, रेक्टेंगुलर को शिफ्ट दबाया और टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, तो ये ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर करेगा और ये अलाइन वर्टिकल करेगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं जानबूझ के हटा देता हूँ, कोने में कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया और इसको सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर इसको क्लिक किया, ये इसको, ये तो सेंटर में है और ये इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर में कर देगा। सही भाई, अब ये बिल्कुल सेंटर में है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया व्हाट्सएप नंबर, इस दफा ऐड कर देते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सही भाई, इसको चंक कर देंगे। चंक कैसे करेंगे, इस तरह से, ताकि याद रहे। ये मेरा नंबर है यार, कॉल कर देना, जिसको प्रॉब्लम हो भाई इसी नंबर पर रब्ता कर लें। पता नहीं किसका है, मुझे खुद भी नहीं पता भाई। किसे चेंज करेंगे ऐसा कदर, मुझे कौन बताएगा, कोई नहीं बताए, कोई नहीं बताए। जैकेट वन, ब्लैक, ब्लैक जैकेट। नाम क्या है, तुम नहीं, तुम नहीं, तुमने कोट पहना हुआ, जैकेट की बात कर रहा हूँ। नाम क्या है, शीरा साहब, ये आइकन का कलर मुझे चेंज करना है, कैसे करेंगे। किसी की आवाज आई क्लास से बाहर, शीराज भाई कंटिन्यूसली आ रहे हो, हर दिन आते हो, हर दिन आ रहे हो भाई, लाइट तो ऑन करो, क्या तुम लोग सिनेमा में आए हो, एक लाइट ऑन कर भाई, नजर ही नहीं आ रहा मुझे, मेरे आंखों को खराब करोगे तुम लोग, हर दिन आ रहे हो। तो ये तो पता नहीं कितनी दफा मैंने बताया, 4-5 दफा तो हो गया जी भाई साहब। ये क्या आमद होगी, वेट कर रहे हो, क्या करेंगे, कहां पे, कौन बता रहा है भाई, ये कौन आमद कर रहा है। अच्छा बताओ कहां पे राइट क्लिक करेंगे, याद आ रहा है इसको, याद आ रहा है, याद आ रहे हैं गुजरे हुए जमाना है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कौन बताएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट शिकार ढूंढते हैं, ये आंकड़े हो जाओ, अहमद, अहमद साहब, आइकन पे राइट क्लिक किया, ओके, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, नहीं नहीं हाँ। अच्छा ये ले, इसको पेन टूल कहते हैं, कलर की बाल्टी ले ली भाई। इससे भी ये तो ब्लॉक है, बाल्टी गायब है, बाल्टी चोरी हो गया है। बैठ जाओ, कोई और शिकार ढूंढते हैं, शिकार पे शिकार, शिकार पे शिकार, इसको तो पता है अभी, ये अपना स्कूल का कोट पहन के आया है, स्कूल का कोट पहन के आया। कौन से स्कूल में पढ़ते हो,
तो फिर ये कहाँ का कोर्ट है? छोड़ी किया? अच्छा कौन बताएगा? अरे तुम लोगों को तो पता है, मुझे शिकार पकड़ने दो ना भाई। ये वाइट वाइट होडी वाला। हाँ कहाँ जाएंगे? विंडो में गए। कौन सा वाला विंडो? कौन सा विंडो? अच्छा इसमें। अच्छा विंडो में। हाँ अरे ये तो गायब हो गया सर। लैंडिंग ऑप्शन नहीं, बैठ जाओ भाई, तुम तो आउट जा रहे हो। तुम अमेरिका में चोर बाजार ढूंढ रहे हो, बैठ जाओ। मजा आ रहा है? किसको मजा आ रहा है? कोई और? कौन है ये? वाह यार। हाँ ये तो है। नाम क्या है तुम्हारा? मुझे कितने बनाए डिजाइन अभी तक? दो या तीन? दो या तीन? दो बनाए। तीन तो क्यों? तीसरा आ जा। पता है कैसे होता ही है? कैसे होता है? हाँ बैठ जा, बस बस बस, आधा बता दिया इसने। शिकार कैसे ढूंढते हैं यार? तू बस कर भाई, तेरे से किसी ने पूछा नहीं। सारे कर रहे हैं। हाँ ये पीछे खड़े हो जाओ भाई। हाँ तुम हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ चाइनीज। नाम क्या है तुम्हारा? मुजफ्फर साहब बताओ। लेयर्स पे बहुत लेयर्स हैं। कौन सा वाला लेयर पे? व्हाट्सएप के लेयर पे। हाँ ठीक है, राइट क्लिक किया। कहाँ है? यहाँ पे तो है ही नहीं। फेल। ठीक है फिर कौन बता रहा है? कहाँ जाएंगे? कहाँ पे जा? सबर करो ना। कलर ओवर ले, बैठ जाओ। ठीक है कलर पे जाएंगे, बट ये व्हाट्सएप धोखा है। ये व्हाट्सएप ने हमने कल भी धोखा दिया था। कोई और व्हाट्सएप निकाला था मैंने, कहाँ गया? अच्छा निकाले नहीं, चलो इंस्टाग्राम दे देते हैं, क्या करें अब। ठीक है फिर राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे और कलर ओवरले। इससे पता क्या होता है, इस तरह पूछने से ना सबको याद रह जाता है, सारा याद करेंगे फिर नेक्स्ट टाइम सर मुझे उठाना ले भाई। ये पहला इंस्टा है जिसपे मैं नंबर यूज कर रहा हूँ, ये आप लोग देख लें भाई, बर्दाश्त कर लें इसको। ठीक है भाई तो अच्छा, ये नेवी ब्लू, ये नेवी ब्लू जो 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 अपने जुबान से ऐसी आवाज़ें निकाल रहा जो कहीं और से निकालते हैं। खड़े हो जाओ, ये आगे वाला। हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मुंह से बड़े शरीफ दिखते हो अभी, तुमने हरकत किया वो नामुमकिन है भाई। जो नेचर जो नेचर ने रास्ता बताया वो वहां से निकलेगा। ठीक है भाई। हाँ तुम बात तो कर रहे थे, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इसी बात पे आता है। एक बच्चा आमने सामने ही वो मजाक करता है, इट्स ओके, इसकी तरह जो बड़े मासूम ना सर के सामने पीछे, वहां बीएमजे भी एक है, पीठ पीछे, पता नहीं इम्पॉसिबल चीज है। तुम लोग क्यों करते हो, नेचर के खिलाफ क्यों जा रहे हो? समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? तुमने अजीब वगैरह बरकत नहीं की मुंह से अभी? I can swear on this के तुमने अजीब बरकत की जुबान के साथ और अपने लिप्स के साथ। आवाज नहीं आई बट समय वो पुश हो गया, बट यू डिड। ठीक है
पूछ ले, नहीं आई वॉच्ड यू ब्रो, मैंने आपको देखा। अब आप तुम ये बताओ कि देखो मैं सवाल भी बोल गया, अब मुझे ये बताओ ये लाइन को मुझे डुप्लीकेट करना है, क्या करूंगा? बैठ जाओ, ठीक है, कंट्रोल जे करेंगे। अब तुम बोलो कि सर मैं तो हंस भी नहीं रहा था, क्यों हंस रहे थे? क्या बात की, आप खड़े हो जाओ, अब तुम फंस गए। क्या बात की इसने? हाँ तो ये हंसने की बात है। अच्छा, तुम्हारे गांव में गलती पे हंसते हैं, ये मसला है था। हाँ खैर मैं मजाक करता हूँ, मैं बेइज्जती नहीं करता। बैठ जाओ, आपको फील होता होगा समाओ, बट मैं मजाक ही करता हूँ, आपके भाइयों की तरह हूँ। वो आप लोग क्लास थी, वो क्वेश्चन वाला बच्चा उसको बेचारे को यार एंड तक मैंने नहीं छोड़ा। मोशन मोशन कर रहे हैं, मैं कोई और मोशन की बात कर रहा हूँ। उसको पता लग गया कि मैंने गलती कर दी यार ये हरकत करके। ठीक है भाई, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? क्या बनाया? हाँ इट्स काइंड ऑफ पैटर्न, बट ई कॉमर्स के अंदर ही है। बट एफ पैटर्न का मतलब मैंने इसलिए कहा था कि अगर आपके पास ज़्यादा टेक्स्ट है, आप अपने जो जो प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज दिखाना चाहते हैं, तो समहाउ आप ये ऐड कर सकते हैं, इस तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई मसला? एक स्टाइल मेरे जहन में आ रहा है जो कि मैं अक्सर यूज़ करता रहता हूँ, तो वो स्टाइल मैं यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, अच्छा लगे या ना लगे। आपने कहा कि रेड कलर अच्छा लगता है, तो हम अपने प्रोडक्ट की आप दोनों कंटिन्यूसली बातें कर रहे हैं, जिसको मज़ा आ रहा है आपको, आपको सर तो कंटिन्यूसली बातें कर रहे हो तुम दोनों, बात पता नहीं यूं यूं भी कर रहे हो, पता नहीं। अच्छा तो मैं यहाँ पे जो है ना एक शेप क्रिएट करता हूँ। अच्छा शेप दो तरीके से हम क्रिएट करते हैं, एक तरीका बहुत ही आसान है, यहाँ से शेप ले लिया। एक तरीका जो कि मुश्किल है वो हम खुद शेप क्रिएट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसके लिए लेयर का लेना बहुत ज़रूरी है, क्या करना है? तो लेयर लिया मैंने और मैं यहाँ पर आया, मैंने पॉलीगोनल लासो टूल लिया। क्या लिया? पॉलीगोनल लासो टूल लिया और यहाँ पर मैंने एक शेप क्रिएट किया। अब पॉलीगोनल लासो टूल कैसे काम करता है, उसका एक एक चढ़नी होती है, उसकी एक सफ़र होती है, जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है उसको वहीं पे एंड करना होता है। तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आया और यहाँ पे आया और यहाँ पर मैंने इसका जो सफ़र है वो एंड कर दिया। बट अभी तक ये प्रॉपर शेप नहीं बना, ना ही ये लेयर बना है, ठीक है। तो इसको हम फिल करते हैं, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और फिल ऑप्शन में जाएंगे। बट पहले उससे पहले हम अच्छा फिल जो होता है ना, इसके अंदर जो कलर फिल होता है वो आपके फोरग्राउंड का कलर होता है, ठीक है। तो समहाउ हम इसको हम रेड कर देते हैं, थोड़ा सा ये लाल ले लेते हैं। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे और फिल में जाएंगे और कंटेंट आवर की जगह या बैकग्राउंड की जगह हम फोरग्राउंड कलर ले लेते हैं। इसको ओके कर देंगे तो हमारे पास ये कलर आ गया। तो अब ये जो है ना एक लेयर बन चुका है और एक शेप भी बन चुका है। अब कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल डी क्या होता है? डी सेलेक्शन, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। अब इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, हाँ ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आपके जो मेन कलर हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, बट समहाउ आप और कलर्स भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर।
ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं। ठीक है भाई, हाँ कंट्रोल जे, सिंपल। बस ये एक प्रेजेंटेशन के लिए होता है, इस तरह से लोग प्रेजेंटेशन करते हैं अपने पिक्चर्स की ताकि वो अकेले अकेला महसूस ना करें। ठीक है भाई, इसको आप सयान भी कर सकते हैं, बट सयान आई थिंक सयान अगर इसको करेंगे तो हमारा ये जो इनका जो इम्पोर्टेंस है ना वो खराब हो जाएगा, बट हल्का भी सयान हम कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। अच्छा इससे, अच्छा इस पे ऐसे कलर नहीं आ रहा क्या? नहीं, मैं कलर में ही था। अच्छा तो इस शेप का यहाँ से कलर चेंज नहीं होगा। कलर की बाल्टी को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, हाँ भाई कलर की बाल्टी। कलर की बाल्टी का एक चीज मसला है ना कि वो देखो उसने बीच में कलर छोड़ दिया। कलर अप्लाई हो गया, असल में वो डबल डबल आ रहा है ना। खैर ये छोटे छोटे मसले आप लोग जो है ना खुद वक्तन फवक्तन सीखते रहेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? भाई प्रेजेंटेशन का ये सीन होगा,